नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जू पाक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। राजस्थान पुलिस की रिक्रूटमेंट आई है, 13,142 नई वैकेंसी आई है पुलिस की। तो दोस्तों, इसमें हर एक अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी वैकेंसी आई है, मगर हम वहाँ पे जितने डिटेल में नहीं जाने वाले। एक बार मैं आपको सारी जानकारी दे देना चाहता हूँ, पूरी की पूरी राजस्थान पुलिस से रिक्रूटमेंट, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, हमने आप लोगों की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की कोशिश की है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, इसमें हम बेसिकली वही PDF वगैरह जितने भी होगा शेयर करने की कोशिश किया करेंगे, और जो भी अपडेट हुआ करेंगे राजस्थान पुलिस को लेकर उस पर हम कार्यवाही करेंगे। तो दोस्तों, जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं, दो नंबर 7876761066 या फिर 9671720554, इन दोनों नंबर में से आप किसी भी एक नंबर से एडमी राजस्थान लिखकर मैसेज कर दीजिए और हम आपको जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो दूसरी जो मेन बात आती है वह है स्टार्ट डेट। देखिए, अप्लाई की जो डेट है वह है 25 मई से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब आज रात से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट रहेगी जो वह है 14 जून। तो मतलब आप बहुत जल्दी अपने फॉर्म डाल दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप कभी भी लास्ट डेट की वेट करें, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके अपने फॉर्म डाल लें, क्योंकि यही लास्ट में आपको इफेक्टिव दिखाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फीस तो देखिए दोस्तों, ठीक ठाक फीस है, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। जनरल के लिए बेसिकली 450 रुपये, OBC के लिए 350 रुपये, राजस्थान के SC ST के लिए भी 350 रुपये। तो इसमें बेसिकली अगर आप दूसरी जगह के, दूसरे स्टेट के SC ST हैं, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा और आपको पे करने होंगे 450 रुपये। चलिए दोस्तों, आगे बात करता हूँ मैं। SC ST OBC कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं राजस्थान से दूसरे स्टेट से, उन्हें यहाँ पर जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। मतलब केवल SC ST वाला, जो OBC वाला जितना भी क्रिटेरिया है, या फिर मैं कहूँ जितना भी आरक्षण है, वो केवल राजस्थान वालों के लिए, आप लोगों के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एप्लीकेशन को अप्लाई करने का मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए आगे बात करता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इस यहाँ पे, छोटी सी थोड़ी सी एक दो चीज़ें। इसमें लिखा हुआ है भर्ती चयन हेतु प्रक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, इसमें लिखित परीक्षा होने जा रही है। लिखित परीक्षा में 75 मार्क्स के बेसिकली आपसे कांस्टेबल सामान्य, और 75 मार्क्स की, मतलब 75 मार्क्स की कुल मिलाकर आपकी लिखित परीक्षा होगी। 15 मार्क्स की आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, बेसिकली आपके सारे शरीर कितना फिट है इसको देखा जाएगा। विशेष योग्यता के लिए अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है तो उसके अलग से 10 मार्क्स होंगे, और टोटल मिला के आपके 100 नंबर का जो परीक्षा होने वाली है। अब बात आती है सर, सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, सिलेबस में 3 चीज़ें रहने वाली हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स पहली चीज़, दूसरी है आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसायिक, मतलब करंट अफेयर्स आपके, और जो भी आप जानते हो साइंस, मतलब जिसे GS बोलते हैं हम, और GK, ठीक है। और एक रहने वाला है इसमें 30 अंकों का, जो कि अहम रोल निभाएगा, वह है राजस्थान के इतिहास, मतलब राजस्थान की जनरल नॉलेज। तो दोस्तों, हम पूरा का पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर लें, राजस्थान का पूरा वीडियो बना बना के जो भी है अपना कवर करने की कोशिश करेंगे। बस हम लोग तैयार हैं आप लोगों को ये पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट कराने के लिए। बस आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को मिलते रहें जो भी आने वाले नोटिफिकेशन हैं। राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस को हम पैरेलल लेके चलेंगे दोनों चीजों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मापदंड है कुछ, जैसे कि न्यूनतम ऊंचाई पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप 12 जिले से आदिवासियों से रिलेट करते हैं तो आपके 160 होनी चाहिए पुरुष के लिए और 145 महिलाओं के लिए। और सीना अगर हम बात करें छाती की, तो ये बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ठीक है। महिला के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती, और सेम पुरुष के लिए बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर, अगर आप 12 जिले से रिलेटेड हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम।
ऑल रिक्वायर्ड पीडीएफ, जितनी भी पीडीएफ हैं, देखिए हमने बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी अपनी यूट्यूब सॉरी वेबसाइट पर डाल दी, जो एजुपार्क की वेबसाइट है, जो है edupark4u.weebly.com। आप यहाँ पर जाके सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लें जो भी आपके ज़रूरतमंद लगे। बहुत जल्दी हम राजस्थान की जीके भी वहाँ पर डालने वाले हैं, हरियाणा की सारी पीडीएफ डालने वाले हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को। आप एक बार वेबसाइट पर जरूर जाके देखें, इसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ, कंप्लीट कोर्स ऑफ राजस्थान प्लस विल बी कवर्ड ऑन द चैनल। मैंने पहले ही बताया कि हम पूरा कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर कोर्स भी नहीं तो कम से कम क्रैश कोर्स कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। अब अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होंगी, और आप लोग फ्यूचर में बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और हम लोग आपकी बहुत मदद कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, एजुपार्क चैनल से बने रहने के लिए, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।